हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही प्यारी और इजी तरीके से बनने वाली लेडीज जैकेट बनाना बताएंगे। इसके लिए मैंने ये वर्धवान की वूल ली है, इसमें थोड़ी सी शाइनिंग है और मैंने क्रोशिया हुक लिया है, 4.0 mm का लिया है। तो ये देखिए, अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले हम नोट लगाएंगे इस तरीके से, फिर हम चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए, इस तरीके से हम 130 चेन बनाएंगे, फिर दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने ये सिंपल तरीके से चेन बना ली है। अब देखिए क्या करेंगे, 3 चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1, 2, 3। फिर हम तीसरे वाले में 3 चेन लेकर चौथे वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, हमारे पास ये 2 हो गया, 1 और ये 2 हो गया डबल क्रोशिया। फिर हम इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे, सब में हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से सब में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को ऐसे कंप्लीट करेंगे, फिर दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है, सब में डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए, इसमें लास्ट में हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। फिर हमने 3 चेन ली, लेकर फिर हम फर्स्ट वाले को फ्रंट से उठाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम सेकंड वाले को भी बैक से उठा ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको फ्रंट से बनाएंगे, डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। फिर हम इस वाले को बैक से उठाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इसको भी फ्रंट से उठाएंगे, इसको बैक से उठाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो दो करके फंदे निकालेंगे। इसको फ्रंट से उठाकर बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे। इसको हम एक को फ्रंट से उठाकर बनाएंगे, एक को बैक से उठा लेकर बनाएंगे, डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर दिखाते हैं। ये देखिए, इस रो को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से बन के आया है। अब देखिए क्या करेंगे, लास्ट में मैंने डबल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए, अब देखिए, 1, 2 और ये 3, 3 चेन लेकर फिर इसको घुमाएंगे, फिर हम फर्स्ट वाली में बैक से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम फ्रंट से बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर इसमें भी बैक से ही बनाएंगे डबल क्रोशिया, फ्रंट से बनाएंगे, फिर बैक से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ये इसमें हम फ्रंट से उठाकर बनाएंगे, और ये देखिए जो जो बैक साइड में है, इसको बैक साइड बैक से ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक बार देखिए, ये फ्रंट से बना लिए हमने डबल क्रोशिया, और ये इसको बैक से डबल क्रोशिया बना लिया, फिर इसको फ्रंट से बना लिया, इसको बैक से बनाएंगे। इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इस रो को भी कंप्लीट कर लिए है, टोटल मैंने 2 रो कंप्लीट की है इस डिज़ाइन की। अभी देखिए क्या करेंगे, 1, 2, 3, 3 चेन लेकर फिर हम फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, सेकंड वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम सेकंड वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है, तीनों फंदे एक साथ ही निकालेंगे। ये
ये देखिए इस तरीके से सब में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, बल लेंगे और ये तीनों फंदे एक साथ ही निकालेंगे। इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये रो कंप्लीट कर ली है मैंने, सब में हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। अभी देखिए क्या करेंगे, तीन चेन लेकर फिर हम फर्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वाले में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी में बनाएंगे, दो हो गया, फिर इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया और इसमें दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें एक हो गया और इसमें दो, इसमें एक हो गया, इसमें दो, फिर एक हो गया हाफ डबल क्रोशिया और इसमें दो हाफ डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए इस तरीके से इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे, फिर अगली रो में बताएंगे। ये देखिए इस रो को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक में मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, एक में दो बनाए हैं। इस रो को ऐसे कंप्लीट किया है मैंने। अभी देखिए तीन चेन लेकर फिर हम फर्स्ट वाली में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे भी एक ही बनाएंगे, सब में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों फंदे एक साथ ही निकालेंगे, बल लेंगे और ये तीन हो गए हमारे पास, तीनों हम एक साथ ही निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से सब में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को ऐसे कंप्लीट करेंगे। इस रो को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से, सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। फिर मैंने अभी तीन चेन ली है। अब देखिए क्या करेंगे, सेकंड वाली में इस तरीके से एक दो, दो चेन लेकर वापस इसी में डबल क्रोशिया, फिर इसी में दो डबल क्रोशिया हो गया, फिर वापस इसी में तीन डबल क्रोशिया। टोटल हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है एक में ही। फिर हम इसमें भी बनाएंगे, पास वाली में भी बनाएंगे, ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर मैंने एक दो, दो चेन लेकर वापस इसी में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, ये तीन डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम पास वाली में फिर ऐसे फ्रंट से उठाकर ऐसे बनाएंगे, एक दो, दो चेन लेकर वापस इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गया, ये तीन डबल क्रोशिया हो गया। इस तरीके से फिर हम इसमें भी ऐसे फ्रंट से उठाकर बनाना है। ये देखिए फिर दो चेन वापस इसी में, एक दो और ये तीन, छोड़ना नहीं है, सब में हमें ऐसे ही बनाना है। ये डिज़ाइन ऐसे बन के आएगा। इस रो को ऐसे कंप्लीट करेंगे। इस रो को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए अब देखिए क्या करेंगे, लास्ट में मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है यहाँ पे। अब देखिए एक दो और ये तीन, तीन चेन लेकर फिर इसको घुमाएंगे, फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे इसको उठाएंगे। ये देखिए उठाकर एक दो, दो चेन लेकर वापस इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गया, ये दो हो गया और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया हो गया। फिर देखिए ये जो तीन बनाए थे हमने, हम एक दो, दो को छोड़ के तीसरे वाले को ऐसे फ्रंट से उठाएंगे इस तरीके से, ऐसे बनाएंगे। फिर हम एक दो, दो चेन लेकर फिर वापस इसी में डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, ये तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक दो, दो को छोड़ के तीसरे वाले को ऐसे फ्रंट से उठाकर दोनों फंदे एक साथ निकाल लेंगे, फिर दो चेन लेकर वापस इसी में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो हो गया,
तीन हो गया। ये देखिए इस तरीके से इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ये डिजाइन सेम ऐसे ही बनेगा फिर कंप्लीट करके। देखिए मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, इसकी मैंने चार रो कंप्लीट कर ली है ये डिजाइन की। अभी पांचवी रो में देखिए क्या करेंगे हम, इसमें शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है, निशान मैंने ऐसे लगाया है बराबर ऐसे दोनों को पकड़ के, फिर मैंने ये सेफ्टी पिन लगा दी है। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ, नौ डिजाइन पे ऐसे मैंने ये निशान लगा लिया है। ऐसे ही मैंने इधर पूरे रखे हैं और फिर यहाँ पे निशान लगा लिया है मैंने, और इधर भी ऐसे ही किया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे दोनों को ऐसे इस ऐसे रख के फिर मैंने बराबर दोनों को एक जैसा रख के फिर मैंने ये दोनों को देख लिया है, ये दोनों एक जैसे ही हैं। फिर मैंने अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे बनाते हुए आएंगे, डिजाइन सेम वही रहेगा। अब देखिए इसमें तीन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गया, ये तीन डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पे इस उठाएंगे फ्रंट से, फिर हम दो चेन लेंगे, फिर वापस इसी में एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दो हो गया और ये तीन हो गया। ये देखें ये हम यहाँ पे बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, इधर आएंगे यहाँ तक आएंगे फिर हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक आ गई हूँ मैं। ये देखिए अभी हम ये पिन निकाल देंगे, देखिए यहाँ पे दोनों को पकड़ेंगे हम, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। एक बार बना लिया, फिर हमने दो बार बना लिया इसमें, ये हमारा ज्वाइंट हो गया। और यहाँ पे फिर हम वही डिजाइन बनाएंगे, आगे भी सेम वैसा ही, एक हो गया दो हो गया तीन हो गया। ये देखिए ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया, ये हमारी बाजू एक साइड में होगी। सेम ऐसे ही दूसरी भी ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे, फिर दिखाते हैं। ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अब देखिए क्या करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेकर फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वही सेम डिज़ाइन बनाएंगे, दो चेन लेकर वापस इसी में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। डिज़ाइन सेम वैसा ही है, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे दिखाएंगे क्या करना है, यहाँ पे ये बना के फिर दिखाते। मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, अब देखिए यहाँ पे आके क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम वही डिजाइन बनाएंगे जो हमने सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया था, उसी के ऊपर मैं डिजाइन बना रही हूँ। तीन डबल क्रोशिया बना लिया मैंने इसमें, अब देखिए आगे सेम वैसा ही बनाऊंगी। तीन डबल क्रोशिया हो गया, सेम ऐसा ही बनाऊंगी। ये देखिए ऐसे यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये बनाया है, सेम वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे इस साइड में भी, जैसे ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, शोल्डर ज्वाइन किया था, और यहाँ पे मैं इसमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाऊंगी जैसे ये बनाया है, सेम यहाँ पे बनाऊंगी। फिर बनाते हुए यहाँ तक आ जाऊंगी, कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मेरा इतना बन के रेडी हो गया है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने बना लिया है, एक रो कंप्लीट कर ली है यहाँ पे भी। अभी हम इसकी यही डिज़ाइन में चार पांच रो कंप्लीट करेंगे इसी डिज़ाइन में, फिर दिखाते। ये देखिए इतना कंप्लीट कर लिया है मैंने, ये देखिए ये हमारी बाजू आ गई है, ये देखिए ये आगे का है,
पार्ट वन में हमने इतना ही कंप्लीट किया है, पार्ट टू में हम आगे का बनाना बताएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।